Kashmir. Beautiful place. Beautiful place. Beautiful place. Thanks. Love you. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय नदर व्लॉग। मेरा आज का जो व्लॉग है, मैं यहाँ पे आया हूँ पार्क में घूमने के लिए। तो सोचा बड़ा ही प्यारा खूबसूरत व्यू था, शाम का टाइम है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी एक अपना ग्रेट एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। और मज़े की बात यह है कि मैं यहाँ पर खड़ा इंजॉय कर रहा था, एक बंदा उधर से आया और कहने लगा जी कि पूछने लगा किधर से वो ये वो, उसने बातें काफ़ी ज़्यादा की, मलेशियन था कोई, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ तो मुझे ये फ्री पॉपकॉर्न दे के गया है। मैंने उसे कहा पैसे ले लो, मुझसे कहने लगा पैसे नहीं लूँगा, दे रहा था लेकिन फिर भी नहीं लीजिए उसने। मैंने कहा ऐसे ही रख लो, लेकिन फिर भी नहीं दीजिए उसने। कहने लगा नहीं, मेरी तरफ से आप कश्मीर से हो और मैं मुझे जो है ना वो कश्मीर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी ज़्यादा उसने बातें की, गपशप करता रहा मेरे साथ। तो खुशी की बात एक ये भी है और सोचा आप लोगों को एक अच्छा सा व्यू दिखाऊँ। कई बार बंदा बोर हुआ हुआ होता है काम वगैरह करके, तो ढूंढ रहा होता है कोई अच्छी सी वीडियो मिले जिसमें अच्छा सा व्यू हो, कोई पार्क वगैरह दिखाए, कोई लेक हो, तो बंदा एंजॉय करता है। नेचुरल जो है साउंड्स वगैरह आ रही हैं, बर्ड्स हैं और शोर शराबा नहीं है यहाँ पे। ट्रैफिक वगैरह रोड तो है पास, लेकिन ट्रैफिक वगैरह इधर इतना नहीं होता। इधर पास ही मस्जिद भी है, ये लेक है और ये प्लाजा है, और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है और साथ हल्की हल्की गर्मी भी लग रही है, और मौसम काफ़ी प्यारा है, मज़े का मौसम है। तो आपको भी साथ इंजॉय करवाते हैं। सामने रेस्टोरेंट है सी फूड रेस्टोरेंट, सी फूड मुझे पसंद है इसलिए मैं खाता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मज़े की जगह है, और वो दूसरी साइड पे कॉफ़ी शॉप है, आप अपनी कॉफ़ी भी यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं बैठ के, और साथ ही साथ जो है ना मौसम को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे और आपको जो है ना अच्छा सा प्यारा सा और व्यू करवाते हैं। ये देखें जी डियर फ्रेंड्स, कितनी प्यारी लेक है, और इसकी मुझे पता है सबसे अच्छी जो बात लगती है, इसका जो ये शेप दी हुई है ना इन्होंने, ये बहुत प्यारी है, मज़े की शेप है, जो बनावट है इसकी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। ये नारियल के दरख्त हैं, नारियल लगे भी हुए हैं दरख्तों पे, ये देखें, और साथ ये यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए जगह भी बनाई हुई है। ये एंजॉय हो रहा है जी, ये यहाँ के मेरे ख्याल से मेंटेनेंस वाले हैं। एवा भी आगे और आपको और अच्छा प्यारा सा व्यू करवाते हैं। ये जगह मेरे घर से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे है, और माशाल्लाह काफ़ी प्यारी खूबसूरत जगह है। ये यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी बैठने के लिए मुझे जगह बनाई हुई है। तो देखिए जी ब्रिज इन्होंने काफ़ी प्यारा लगाया हुआ है, सही है, बंदा इधर उधर आ जा सकता है। और यहाँ से बैग पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है। यहाँ पे रात को काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि लाइटें वगैरह लगाई हुई हैं, रात को काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू होता है। और मैं फ्री अभी हुआ तो मैंने सोचा चल के घूम के भी आते हैं और साथ नाजरीन को भी व्यू करवाते हैं।
और गाइस ये वो भाई है जिसने हमें पॉपकॉर्न गिफ्ट किया था और ये वहाँ से चला गया था और अब मैं चल के यहाँ पे आया हूँ तो वापस मुझे मिल गया। चलिए जी इस भाई से आपको मिलवाते हैं, बड़ा ही दिल का अच्छा आदमी है यार। सलाम अलैकुम, के बात। ओके गाइस, दिस मैन गिफ्टेड मी दिस पॉपकॉर्न। ओके थैंक यू। और गाइस इस भाई ने मुझे ये पॉपकॉर्न गिफ्ट किए हैं, ये दोबारा से मुझे मिल गए। व्हाट अबाउट द थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान कश्मीर? Beautiful place. And Pakistani people? Nice. You want to visit in Kashmir? Yes, I always want to go there. Kashmir. Because Kashmir is too much cold and salty. Beautiful place. Very salty now. It's run off. Yeah. But I think that YouTube, mana. Pernah juga tengok. Pernah juga. Dia punya gunung cantik-cantik. Ya. Memanglah saya punya kampung atas bukit. Ya. Tempat yang Everest. Aur guys ek experiment karte hain. Isko ek aur yahan pe rakhte hain popcorn aur check karte hain ki ye uthata bhi hai yahan se ya nahi uthega. Experiment karte hain. आ गया उसके पास, आ गया पॉपकॉर्न के पास, आ गया उठा के ले गया है। वाह वो देखिए गाइस उसने उठाया हुआ है पॉपकॉर्न। और अब फिर से ट्राई करते हैं, ये दूसरे को भी रखते हैं, ये उठाता है ये भी नहीं उठाता। अब दो पीस रखते हैं। वो दो पीस मैंने वहां पे रख दिए, वो आ गया उठाने के लिए। अब ऐसा ऐसा हो रहा, इकट्ठे हो रहे, मुझे लगता है मेरे पॉपकॉर्न सारे यहीं पे ही खत्म हो जाएंगे। और एक ये भी बैठा हुआ है। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ पॉपकॉर्न खा लो आज। 1, 2, 3, 4 इस पर 4 रखते हैं, देखते हैं उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। और गाइस मैंने वहाँ पे पॉपकॉर्न रखे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कौवे जो है खाते हैं पॉपकॉर्न या नहीं खाते, तो सबने एक एक उठा लिया है वहाँ से। और ये देखे गाइस इन्होंने भी उठा लिए। और मेरे ख्याल से जो ये कहाँ कहाँ कर रहे हैं ना, थैंक यू भी कर रहे होंगे। और गाइस ये मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ और यहाँ पे बहुत ही प्यारा मज़े का वाटरफॉल छोटा सा बनाया हुआ है इन्होंने, और मतलब काफ़ी मज़े की जगह है ये। ये देखें और यहाँ से व्यू भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा आ रहा है, और साथ ही वो रेस्टोरेंट भी है, वो मेरी बैग पे देखें रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं और अपना इंजॉय वगैरह कर सकते हैं। शाम को ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे मगरिब के बाद, और वो सामने भी एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट वो सामने है सी फूड, और एक रेस्टोरेंट ये है, यहाँ पे चाय वगैरह मिलती है और काफ़ी मज़े की जगह है।
Yeah, waterfall. और अब चलते हैं कि गाय यहाँ से ऊपर और चल के देखते हैं कि क्या नज़ारा है ऊपर से। वाह हाँ, ये देखें ना क्या सीन है। देखते हैं ये पानी यहाँ कहाँ से रहा है। अच्छा तो ये यहाँ से आ रहा है। हाँ जी यार, मैं वहाँ पे फ्रंट पे जाना चाहता हूँ लेकिन वहाँ पे जा नहीं सकते। और यहाँ पे गए जिस वाटरफॉल के नीचे इतना ज़्यादा शोर है ना, जैसे रियल में वाटरफॉल नहीं होते हमारे कश्मीर में या और जगहों पे, वैसा शोर है यहाँ पे। और गाइज मैं चल चल के काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। ये रेस्टोरेंट यार बहुत मज़े की लोकेशन है, लेकिन मेरा फिलहाल बिल्कुल भी मूड नहीं था चाय वगैरह पीने का, तो इसलिए यहाँ पे नहीं बैठा मैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और ये था जी पार्क, मैं वहाँ से लेके एंड तक घुमाऊँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, चल 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 के थक गया हूँ। और ये सामने आ जी हमारी गाड़ी, ओके जी गाइस, तो मैं पहुंच गया हूँ अपनी गाड़ी में और अब जा रहा हूँ काम पे, एक दो जगह पे काम है छोटे छोटे वो करने हैं और उसके बाद फिर घर जाना है। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपने सपोर्ट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।